आज अमर शहीद कबीर दास उनके ने जिस तरीके से जम्मू के आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, आज उनकी राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पे हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में मैं संपत्ति हुई कि यहाँ पे उपस्थित हूँ। हमारे साथ हमारे सांसद जी हैं, हमारे पूर्व विधायक जी हैं, हमारे सब वरिष्ठ जन हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से वो जो घटना हुई वो बहुत ही आतंकवादी घटना जो हुई है उसको लेकर के उनके घर वाले उनके परिवार वालों से मैं अभी जा कर के मिली। उनके ससुर साहब भी उसी पद में हैं और वो जबलपुर हाईकोर्ट पे हैं। उन्होंने जैसे कहा कि हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा बेटा इस राष्ट्र के लिए इस देश के लिए शहीद हुए हैं, पर ये है कि वो समय के पहले ही आज वो शहीद हुए हैं। उनके ऐसे वज्र जैसे इस पहाड़ जैसे दुख को सहने की ईश्वर उनको क्षमता दे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनको मोक्ष प्रदान। भारत माता की सेवा करते हुए छिंदवाड़े की माटी का लाल कबीरदास विखे उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पुलपुरों में आ रहा है और बड़ी संख्या में पूरे जिले के देशभक्त उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रतिनिधि के रूप में मेरी बड़ी बहन कैबिनेट मंत्री संपत्ति भी यहाँ पर आई हैं और कल मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा। मैं पूरे छिंदवाड़े के एक एक नागरिक की तरफ से शहीद कबीरदास उइके जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।